अवैध रूप से जबरदस्ती बलपूर्वक चंदा मांगने की शिकायत आएगी, छात्रों को चिन्हित करते हुए पटना पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और उनको उन पर कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे धकेलेगी। देश भर में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है, वहीं पर छात्र हो या तो पूजा पंडाल के आयोजकों द्वारा पूजा के लिए चंदा किए जा रहे हैं और यहीं पर जबरन चंदा तसीली को लेकर के बात आ रही है कि अगर किसी छात्र हो, छात्र संगठन हो या तो पूजा पंडाल संयोजकों के द्वारा किसी से भी जबरन आप पैसे वसूली चंदा के नाम पे नहीं कर सकते हैं। अगर जबरन चंदा अगर आप काटते हैं पूजा के नाम पे तो आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यहीं पर पटना के DSP ने क्या कुछ कहा, जरा देखें। पटना पुलिस किस तरह की क्या अपना रही है? जहाँ कहीं से भी जिस छात्रावास से भी अवैध रूप से जबरदस्ती बलपूर्वक चंदा मांगने की शिकायत आएगी, उन छात्रों को चिन्हित करते हुए पटना पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और उनको उन पर कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे धकेलेगी। किसी भी सूरत में हम लोग जबरदस्ती बलपूर्वक चंदा उगाही करने की अनुमति नहीं देंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई पटना पुलिस करेगी।